हेलो स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, हमने एटॉमिक मास आपको जो है क्लास में पढ़ाया भी था, लेकिन एटॉमिक मास, रिलेटिव मास, ग्राम, एटॉमिक मास को बिना समझे, बिना पढ़े हम ऑल कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम एटॉमिक मास के बारे में आपको बताते हैं। और चलिए हम आपके टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रवीण प्रभाकर फ्रॉम प्रैक्सी विद्यापीठ रुदौली बस्ती। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मास क्या चीज है। जैसे आप देखते हो कि मास, एटॉमिक मास में ना जाए, सबसे पहले हम मास को देखें, मास क्या होता है और मास कैसे डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए तो आपको चाहिए 1 kg एप्पल। ठीक है, 1 kg एप्पल आपको चाहिए। अगर बेटा आपको 1 kg एप्पल चाहिए होगा तो जाएंगे तो मान लीजिए कि जिस दुकानदार के पास आप गए हो, उस दुकानदार के पास जो इसमें डिजिटल आता है तराजू, वो नहीं। ठीक, जब डिजिटल तराजू उसके पास नहीं है, जो डिजिटल वाला आता है 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम वो मेजर कर देता है, तो मान लीजिए वो पुराने जमाने वाला है, ये जो इस टाइप का होता था। ठीक है, तो इस टाइप का तराजू है उसके पास। ठीक, अब आपको चाहिए 1 kg एप्पल। वो क्या करेगा, एप्पल को एक तरफ रखेगा और एक तरफ क्या रखेगा, बांट रख देगा। फिर क्या होगा कि अगर जो ये बीच में जो ये पॉइंटर लगा है, ये पॉइंटर इस तरफ अगर इसका क्या है, इंक्लाइनेशन है, इस तरफ ये झुका है, तो क्या कहेंगे कि अभी एप्पल आपका कम है, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम के स्टेट में होना चाहिए। ठीक, अब जब इक्विलिब्रियम के स्टेट में ये नहीं होगा तो कहेंगे या तो ये ज्यादा या तो ये ज्यादा। इसके लिए अब आप एक काम करो, अब आपको चाहिए 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल आपको चाहिए। अब आप मान लीजिए आपके 1 kg में आ रहा है 7 एप्पल आ रहा है। अब आप ये उससे कहो कि हम तो ठहरे साइंस के स्टूडेंट, हमको एक से दो, एक एप्पल दो हमको। अब उससे ये कहो कि आप हमको एक एप्पल दो, अब उसके लिए परेशानी होगी। एक एप्पल का जो मास होगा, हो सक उसको मेजर करने के उसके बाद बांटना हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो क्या करेगा, फिर वो कहेगा नहीं, 1 एप्पल का हम मास आपको कैलकुलेट करके नहीं बता पाएंगे, इसमें 7 आ रहा है, हो सकता है उसमें कमी आएगा, जाहिर सी बात है कमी आएगा। ठीक है, तो आप ठहरे बेटा साइंस के स्टूडेंट, आपने क्या किया, उसके बगल में एक रखा था वाटर मेलन। ठीक है, अब एक तरफ आपने क्या रखा, यहां से वाटर मेलन को रखा और एक तरफ एक एप्पल को रख दिया। ठीक, एक तरफ एक एप्पल को रख दिया। तो जब भी कोई सामान आप बाजार से लाते हो, अगर वो मेजर किया गया है, जो आपका ये तराजू होता है, जो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके थ्रू आप क्या करते हो, रिलेटिव मास को पता करते हो। रिलेटिव मास का मतलब क्या है, जो यहाँ एप्पल था 1 kg एप्पल, वो इस तरफ जो बाट रखा था उसके रिलेटिव में तो पता कर रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास हम चाह रहे हैं एक एप्पल का हमको पता चल जाए। तो आप क्या जानोगे, वाटर मेलन तो बहुत बड़ा होता है, एप्पल बहुत छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर मेलन भारी होगा, ये क्या होगा, तब हमको ये पता चलेगा हल्का ये भारी है। आपने क्या किया, वाटर मेलन को यहाँ से कट कर दिया, वाटर मेलन को कट कर दिए, फिर रखे आधा वाटर मेलन रख दो यहाँ पे, तब भी ये भारी रहेगा वाटर मेलन। उसके बाद आधे को आधा कर दो, चलो हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बेटा जब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर रखे एक छोटा सा पार्ट रखे, मतलब 1/4 रखे, फिर भी ये भारी है, ये कंडीशन आ रही है। फिर आपने इसका 12 पार्ट कर दिया, मतलब एक स्लाइस बना दिया, उसका एक फांक जो है उसको बना दिया, और उस फांक को यहाँ पे अगर आप रख दिए तो क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया। क्यों, बराबर हो सकता है ना, आपने वाटर मेलन को 12 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये पता चला कि सेब का जो मास है, अब इस एक स्लाइस के जो आपका एक बेटा वाटर मेलन का जो एक फांक है उसके बराबर आ रहा है। तो आपने ये दिमाग लगा लिया कि जो एक एप्पल है इसका जो मास है इसके रिलेटिव में आपने पता किया, एक पूरा वाला जो एप्पल होगा इसको वाटर मेलन होगा उसका मास मान लेते हैं 60 kg, कितना है 60 kg। आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा, 6 पार्ट। लेकिन आप कह रहे हो कि हमने 12 पार्ट में किया, 12 से डिवाइड किया, समझ रहे हैं सिर्फ इसको, अब 12 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो इसको करेंगे कितना आएगा, 5
5 ग्राम आएगा एक फांक का मास, इसका मतलब 5 ग्राम आपका एक है। चलो पता चल गया, एक एप्पल का मास आपको पता चल गया, आपको केमिस्ट्री आ रही थी तो आपने पता कर ली। तो ऐसे क्या था कि बेटा जब एटॉमिक मास हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, वो एटॉमिक मास कैसा होता है, रिलेटिव मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का मास लिखते हो 1m1, एक्चुअल में हाइड्रोजन का मास नहीं होता, ये वो होता है 1.67 × −24 ग्राम, जो एक्चुअल में इसका मास होता है 1.24 × −34 ग्राम, 24 ग्राम होता है। रिलेटिव ये लेते हैं तो हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल मास इसका ये होता है रिलेटिव मास। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे हमको एटम को मेजर करना है, एटम को मेजर करना है। जब एटम को करेंगे मेजर बेटा, तो आपको क्या कर, अब एटम तो बहुत छोटा होता है, जैसे सेब बहुत छोटा था, अब एक आप सेब का मास आपको चाहिए, तो जब सेब का मास मेजर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे एटम को भी मेजर करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, अरे तो बहुत छोटा है, अब मालिक्यूल हल्का उससे बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एटम और मालिक्यूल बहुत छोटी यूनिट है, तो उसके लिए अब उसको थोड़ी ले जाएंगे बियरिंग ले जाएंगे वहां तराजू उसका जो मतलब उसको क्या करेंगे मेजर करना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा तो आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लेना पड़ेगा, हाँ उससे भारी है कि उससे कितना गुना भारी, अगर भारी कितना गुना भारी है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड एटम लिया गया वो हाइड्रोजन लिया गया, सबसे पहले किसको लिया गया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव मास आ रहा था वो कितना था, एक था, वन के वन पॉइंट समथिंग था। तो ये बताने के लिए आ गए जॉन डाल्टन, क्योंकि उनके पास उस समय के सबसे फेमस साइंटिस्ट वही थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम किसी भी एटम का मास रिलेटिव टू हाइड्रोजन पता करेंगे, जैसे आपने सेब का मास रिलेटिव टू वाटरमेलन पता किया, रिलेटिव टू हाइड्रोजन पता करेंगे, हाइड्रोजन की स्लाइस में तो वहां कर नहीं सकते हो भाई, कर नहीं सकते। तो एक रिलेटिव मास का आइडिया जो है डाल्टन ने दिया, उसके दिमाग में क्या आया, क्योंकि उस समय का फेमस साइंटिस्ट ही वही था, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने अपना रूल बनाया, सबसे पहले उसने कहा चलो हाइड्रोजन को लेते हैं और हाइड्रोजन से कंपैरिजन करना स्टार्ट। जब हाइड्रोजन से कंपैरिजन करना स्टार्ट हो गया, पहले हाइड्रोजन को लिया गया, कंपैरिजन हुआ, किसी भी मान लेते हैं उसने आर्गन को कंपैरिजन किया होगा हाइड्रोजन से, कितना गुना भारी कितना गुना हल्का है, तो क्या हो गया उसमें एरर आना स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। तो हाइड्रोजन को छोड़ के फिर ऑक्सीजन पे लोग आए, जब ऑक्सीजन पे आए तो ऑक्सीजन के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा था कि मास जो था वो फ्रैक्शन में आना स्टार्ट हो गया, लो अब मास फ्रैक्शन में आ गया, आप क्या हो, अब जब मास फ्रैक्शन में आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे, जब मास का फ्रैक्शन में आने लगा तो हाइड्रोजन का पीछा छोड़े अब आ गए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के साथ यही कहानी थी, ऑक्सीजन के साथ भी यही कहानी थी कि उसका मास ही फ्रैक्शन में आने लगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत फेमस कंपाउंड सॉरी बहुत फेमस एटम थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इन्होंने छोड़ दिया, इनके दिमाग में आया कार्बन, आपने आइसोटोप्स पढ़ा है, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, आपके दिमाग में आएगा C13, C12, C13 और C14, ये कार्बन के क्या है बेटा, आइसोटोप्स, कार्बन क्या है आइसोटॉप्स। अब ये बताइए ये जो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, कहा जाता है मान लो आपके पास 100 ग्राम कार्बन है, 100 ग्राम आपके पास क्या है कार्बन, ठीक है। अब बेटा 100 ग्राम आपके पास कार्बन है तो इसमें 98.99 इतना C12 होता है, मतलब 100 ग्राम कार्बन में इतना परसेंट क्या होगा C12, और बाकी जो 2% बच रहा है 1.4 जो बच रहा है उसमें C13 और C14 होता है। तो इसका मतलब आइसोटॉप तो कार्बन का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आइसोटॉप की तरह किसका है कार्बन का। अगर आप सोडियम को स्टैंडर्ड लेते, सोडियम तो बहुत क्या होता है रिएक्टिव होता है, उसका काम आप कर नहीं सकते हो, तो आपको काम किस पे आ गया, अब आ गए कार्बन पे, हाँ कार्बन के साथ मामला कुछ सही बैठा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल भी होते हैं और उससे आप कंपैरिजन कर भी सकते हो, कार्बन के आइसोटोप से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। फिर यहां से निकल के आया एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, इसको आप बोलते हो रिलेटिव मास, और इसको कैलकुलेट करने की जो यूनिट होती है वो AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इस समय SI सिस्टम ने AMU को U से रिप्लेस कर दिया है, बताया होगा आपके आपको क्लास में हमने, जो AMU था, AMU
इसको रिप्लेस कर दिया यू से। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक मास यूनिट यू, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए किस स्केल का यूज किया गया? किस, जैसे कपड़े को सेंटीमीटर में करते हो, बॉन्ड लेंथ को और न्यूक्लियस के साइज को नैनोमीटर पिकोमीटर में करते हो, वैसे एटम के मास को मेजर करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया? किसका यूज किया बेटा? एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास का यूज किया। फिर इससे क्या हुआ, एएलयू का जो फॉर्मूला बनता है देख लीजिए, C12। मान लेते हैं आपके पास क्या है, जो C12 है, C12 का मतलब ये कुछ ग्राम है आपके, मान लेते हैं x ग्राम में आपके पास है। C12 क्या है? x ग्राम में है आपके पास। तो अगर हम C12 का मास पता करें तो वो कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो C12 है, जो इसका मास होगा, वो जो मास आएगा वो आएगा 12 AMU। क्यों, क्या आएगा 12 AMU भाई? C6 12 कितना आएगा? 12 AMU आएगा। हमको 1 AMU की वैल्यू चाहिए। अगर अब बताओ बेटा कि इतने ग्राम में इतना AMU होता है, तो 1 AMU बराबर क्या होगा? C12 ऑफ एटम अपॉन 12, ये तो करेंगे, 1 AMU को क्या चल जाएगा, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक। तो 1 AMU बराबर क्या होता है? C12, मतलब जितने एटम आपके पास होंगे, मास आप C12 एटम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, ये दिया रहेगा, यहाँ मास रहेगा बेटा, सॉरी यहाँ मास रहेगा, ठीक। मास ऑफ C12 एटम कितना मास दिया गया है अपॉन 12, ये क्या होता है 1 AMU के बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। किसी का भी आपको पता करना हो, जैसे हमने क्या कहा, चलिए अब आपको क्या पता करना है, जैसे हमने कहा कि आप मैग्नीशियम का बताइए, मैग्नीशियम का बताइए, तो मैग्नीशियम का जो मास होता है वो बेटा क्या होता है, वो कितना होता है मैग्नीशियम का? एटॉमिक नंबर 12 और यह आएगा 24 AMU आएगा ना, 24। अब ये 24 AMU इसको पढ़ेंगे कैसे? जो मास ऑफ मैग्नीशियम है वो कार्बन के 12 ग्राम एटम से एटम के 12 फैक्टर से, 12 ग्राम जो इसका है एटम, मतलब ये कार्बन के जो कार्बन 12 है उसके 12 ग्राम एटम के फ्रैक्शन से 24 टाइम्स ज्यादा है भाई, वही तो ज्यादा हुआ, क्योंकि इसका भी करेंगे तो 24 AMU आएगा। तो ये क्या हो गया कि ए 1 AMU होता है कितना, 24 AMU बराबर कितना, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ज्यादा तो होगा, 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब जो ये फ्रैक्शन आएगा, मतलब मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, इससे 24 टाइम्स ज्यादा होगा मैग्नीशियम का मास। इतना क्लिष्ट होता है एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगर इसको समझ गए सब लोग, इसको समझ गए तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है, वो आपको देखना है कि ग्राम एटॉमिक मास, आपको क्या देखना है, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सबको समझ में आया? जिसको ना समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ग्राम एटॉमिक मास हम लोग देखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसको ग्राम वर्ड क्यों जोड़े, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, है ना, बहुत मारेंगे अभी। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है वो देख लीजिए। एटॉमिक मास पता चल गया कि वो क्या होता है, C12/12 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम C12/12 से क्या होगा, बंद ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दो चीज पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या पढ़ते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको देख लेते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, आपके पास 1 AMU की वैल्यू है, 1 AMU बराबर क्या होता है बेटा, 1 AMU बराबर क्या होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, ठीक। ये क्या होता है 1 AMU की वैल्यू बेटा, ये AMU है,
तो क्या होता है कि जब यही एएमयू, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का ले लें, या फिर चलिए ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो जब यही एएमयू, जो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होता है, 16 ग्राम। हम ये कहें कि जो इसका मास है बेटा, देखो ग्राम एटॉमिक मास ना, एटॉमिक मास तो ये होता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इसी के आगे एक ग्राम वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 16 ग्राम इक्वल टू 16 यू होना चाहिए, जब ये दोनों आपस में बराबर हो, मतलब न्यूमेरिकली बराबर हो, इसके और इसके में जमीन आसमान का अंतर है। ये यू क्या है, ये यू बेटा C12/12 से 16 टाइम ज्यादा है। ये जो U है, ये C12 मास आप C12 बेटा अपॉन 12 से 16 टाइम ज्यादा ही तो होगा, क्योंकि 1 U बराबर ये होता है, 16 टाइम ज्यादा होगा ना। लेकिन जो ये ग्राम है, ये जो ग्राम है ये कैसे होगा, जो ये 16 है, 16 एटम का, 16 एटम का मास है किसके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 16 एटम का मास है, ठीक। ऑक्सीजन के क्या है, ये 16 एटम का मास है, हमने लिखा, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसका जो मास है वो 16 ग्राम। तो हमने कहा कि न्यूमेरिकली क्या हो जाए, 16 ग्राम इक्वल टू 16 यू, अगर ये हो जाता है तो इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ ग्राम। अब इसमें क्या है कि जो ये यू है बेटा, ये जो इस तरफ लिखा है, ये जो मास होगा ऑक्सीजन का, ये एक एटम का मास है और ये 16 ग्राम एटम का मास है, वो दोनों इक्वल हो गया है न्यूमेरिकली, ठीक है। लेकिन अब एक ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, आपको अब याद आएगा एवोगाड्रो नंबर, एक ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022×10^23 पार्टिकल, मतलब इतने पार्टिकल का मास कितना ग्राम है, 16 ग्राम। और यहां पे ये खाली ओनली 1 ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम, समझ गए, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, लेकिन ये क्या है, जो 16 ग्राम लिखा है, ग्राम का मतलब ये 6.022×10^23 पार्टिकल्स का मास है ये 16 ग्राम। लेकिन न्यूमेरिकली दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। जब आपको पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, वहां और अच्छा समझ में आएगा कि ये है क्या चीज, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।